नमस्कार बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एडवांस प्रॉब्लम्स बच्चों करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप बिल्कुल लास्ट तक सीखने की इच्छा रखते हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक जूझेंगे इन क्वेश्चंस के साथ। बच्चों, दीज आर वेरी वेरी ऑसम क्वेश्चंस, और इन सब क्वेश्चंस को कर पाते तो आप टॉप रैंक में आने के बिल्कुल हकदार हैं बच्चों, ठीक है। और नहीं भी कर पाते तो सीखें, बिकॉज अल्टीमेटली जो टॉपर्स हैं उनको इन्हीं सब चीज़ों की नॉलेज है जो आपको भी करनी है। और मोस्ट प्रोबेबली नॉलेज तो होती है सभी को, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं, दैट इज द स्किल दैट यू नीड टू लर्न बच्चों। तो वही आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, चैनल्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल भी बच्चों ये ना सोचे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द ऑसम प्लेस जहाँ पर आपको एक से बढ़िया एक लेक्चर्स बच्चों मिलते हैं, ठीक है। तो ब्राइट बेंटो ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी बच्चों इंस्टॉल कर लिए और हमारे साथ कनेक्ट करिए, वहाँ पर भी आपको ऑसम कोर्सेज, ऑसम टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप जरूर उनका फ़ायदा उठाएं बच्चों। और फिजिक्स में आप ये देखिए, यहाँ पर 22 चैप्टर्स क्लास 11th में हो चुके हैं बच्चों, और ये वेव ऑप्टिक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम लेना चाहते थे बच्चों, इसीलिए आज आपके सामने यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जेई 1998 का क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट थे। तो बड़े ध्यान से और बहुत ही इज्जत के साथ इस क्वेश्चन को समझिए और करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 है। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों N1, और एक और प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, और उनको स्टक कर दिया गया है विद अ गैप एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो उनको इस तरीके से हल्का सा गैप है, ठीक है, और जो इनको एक बना दिया गया जोड़ के। द एंगल्स ऑफ द प्रिज्म आर एज शोन, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग एंगल्स आपको दिए गए हैं। तो ये 90 है यहाँ पर, क्लियरली यू कैन सी दैट, ठीक है। तो एंगल ऑफ द प्रिज्म आर एज शोन, एंड N1 एंड N2 किस तरीके से लैम्डा पे डिपेंड करते हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड करता है बच्चों। तो वैसे ही इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि N1 जो है कुछ इस तरीके से है और N2 जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये सारा कुछ दिया है। अब सुनिएगा, अब जो कहानी आती है, ए क्या कहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा नॉट फॉर विच रेज इंसिडेंट एट एनी एंगल ऑन द इंटरफेस BC पासेस थ्रू विदाउट बेंडिंग एट दैट इंटरफेस, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट बताइए बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये क्या है रहे हैं कि कोई रे जब इस इंटरफेस पे पड़ती है, कैसे भी पड़े, तो वो बिना बेंड करे ऐसे सीधे निकल जाती है। अब बच्चों ये बताइए कि बेंडिंग कब होती है, बेंडिंग होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, बेंडिंग होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो तब होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई जाए, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जो है लाइट रे जाए, तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेवलेंथ है जिसपे ऐसा हो रहा है कि इस वेवलेंथ पे बेंडिंग नहीं हो रही, यानी कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, सेम। तभी तो ऐसा हो रहा है कि बेंडिंग नहीं हो रही, मतलब उसको एक ही सरफेस लग रही है, एक ही प्रिज्म लग रहा है, दो प्रिज्म ही नहीं लग रहे, दो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं लग रहे, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे बच्चों। ये यहाँ की कहानी, कैसे छोटा सा पॉइंट है बच्चों, कितना छोटा सा पॉइंट है, वो तो आप अपने दिल से पूछ सकते हैं कि आपके दिमाग में ये बात आई कि नहीं आई, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही औसम होता है बच्चों, ऐसी चीज जो ना कर पाए कि कहीं अलग ही खोद के इनको टॉपर्स को बनाया जाता है, बस वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, क्वेश्चन से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते, दिमाग लगाते रहते, दिमाग डेवलप होता रहता है, ठीक है। जो आप भी वैसे ही जुड़ जाओ, आप भी कर ही डालोगे। तो 1.80 इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, 1.80 × 10^4, और यहाँ पर दोनों के लिए लैम्डा सेम करके लैम्डा नॉट कर देंगे हम लोग। अब सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, इसको इधर की तरफ घटाइए, तो 10.8 से 1.8 घटाएंगे तो 9 आएगा, आई थिंक, व्हाट यू से मैन। तो 9 × 10^4 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर, एंड 1.45 में से 1.25 को घटाएंगे तो यू विल बी गेटिंग 0.25, जिसको हम लोग 25/100 लिख सकते हैं।
तो यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये देखते हुए कि लैम्डा नॉट का स्क्वायर किसके बराबर आता है, सिंपल सी कैलकुलेशन से बच्चों 9 × 10^6 एकदम प्यार मोहब्बत के साथ क्वेश्चन को करते रहें, बिल्कुल भी चाहे वो कैसा हो, एडवांस का हो, इधर का हो, उधर का हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको क्वेश्चन की नजरों से देखें। तो 9 यानी कि 3/5 × 10^3 तो ये आपका लैम्डा नॉट है एंड इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, दे हैव शोन दैट कि दिस लैम्डा इज इन नैनोमीटर। सो गाइस, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 × 10^3 और यानी कि समय 600 नैनोमीटर, ये आपका लैम्डा नॉट यहाँ से आगे। तो देखिए आप कमा चुके हैं बच्चों नंबर्स, आप कमा चुके हैं, ये ऐसा नहीं है बच्चों ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हम छोटी बातों को बहुत ही लाइकली लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टफ है, क्योंकि हम इतना कॉम्प्लेक्स माया जाल में फंसे हुए हैं कि हम सब कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सोचते रहते हैं और सिंपल चीज़ें ही जो है हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, इसीलिए क्वेश्चन लाया हूँ दिखाने के लिए आपको कि आपको क्या चीज़ें, क्या स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। तो चलिए अब बी पार्ट के अंदर बच्चों बढ़ते हैं हम लोग और बी पार्ट हम लोग देखते हैं, बी पार्ट। तो बी पार्ट की कहानी यहाँ पर ये है, फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, मतलब यही लैम्डा नॉट जो अभी अभी हम लोगों ने लैम्डा नॉट निकाला है, उसी लैम्डा नॉट के लिए फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द फेस ए सी सच दैट द डेविएशन प्रोड्यूस बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म इज मिनिमम। अब देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको पढ़ाया जाता है प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन। अब कहानी यहाँ पर यह है कि अब जो मेन फंडा ये हो गया कि दोनों इस लैम्डा नॉट के लिए दोनों जो है सेम ही मटेरियल हो गया है, तो अब आपका प्रिज्म कैसा दिखेगा इसको आप थोड़ा सा है ना ये देखिए, एनालिसिस की बात होती है बच्चों, एनालिसिस की बात होती है। तो अब यहाँ से आप इसको कुछ ऐसा ले जाइए, एक ही ट्राइंगल बनाइए बच्चों, हमने बताया था प्रिज्म में हो सकता है कि आपको आधा अधूरा फिगर ऐसे रहे, लेकिन आगे बढ़ के वो मिल सकता है, यू एंगल ए जो होता है वो कहीं आगे मिल के बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया है, एंगल ए मैंने उधर मान लिया है, बी सी कुछ भी मान लो यार, क्या था वो ए, इसको मान लेते ए बी, ए एंड दिस इज बी एंड सी भी है तो इसको के मान लूं, ए बी के, ठीक है भाई। तो अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, ये 60 है बच्चों, बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया, और ये देखिए जब 40 और 20 ये मिलते हैं ना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अरे यहाँ पे देखिए 40 और 20 जब मिलते हैं तो कितने हो जाते हैं बच्चों 60। अच्छा बचा हुआ देखिए कैसा हो गया है 60, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब इक्विलैटरल ट्राइंगल में मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है कि ये रे इस रे के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, और यूं ऐसे जाती है, ठीक है भैया, कोई बड़ी बात तो नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आपने पहली बार। तो आपने देखा है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे आई है तो यहाँ आर वन बनता है और यूं ऐसे यहाँ आर टू बनता है, लेकिन जब ये इसके पैरेलल होता है इक्विलैटरल के केस में तो आर वन की वैल्यू आर टू के बराबर होती है। प्लीज राइट डाउन दिस थिंग, यानी कि आर वन इज इक्वल टू आर टू और जो ऊपर वाला एंगल है के एंगल उसका आधा लिखते हैं हम लोग, वो आपके के बाई टू यानी कि वो 30 डिग्री के बराबर और आई बराबर ई भी होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, अब देखिए यहाँ तक कहानी हो गई है, अब आपको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस कहानी से निकलता है बच्चों बताइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। तो बाहर का एयर है तो बाई स्नेल्स लॉ वी विल बी राइटिंग बच्चों 1 × sin i इज इक्वल टू n टाइम्स और साइन इंटू आर और आर वन हो या आर टू हो दैट इज 60 का आधा 30 यानी कि साइन 30। तो कुल मिला के जो साइन आई आ रहा है बच्चों, ठीक है, अब देखिए क्या मतलब कैसे क्या चलता है दिमाग के अंदर, तो ये n/2 आया। अब आप सोचोगे माय डियर फ्रेंड्स ये n कैसे आएगा,
तो इतना दिमाग तो है ही आपके पास कि एन का तो रिलेशन दिया गया है ना भाई, हमें तो 1.2, एन का तो रिलेशन दिया गया है 1.2 × 10⁻¹⁰, वो प्लस है, प्लस 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 10.8 × कितना भाई 10⁴ अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब जाइए 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 और लेमडा को लाइए 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 लाइए, तो 600 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आपका एन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए जगह की कमी पड़ रही है बच्चों, दोस्ती यारी में जगह की कमी पड़ रही है। तो n इज इक्वल टू 1.2 प्लस 10.8 × 10⁴, 600 × 600। सॉल्व करिए इसको, कितना आ रहा है ये सॉल्व करिए, तो 4 तो गए भैया ऐसे ही, और 10.8 डिवाइडेड बाई जो है वो 36 है, 36 काटिए इसको, 6 6 36 6 1 6 48 6 8 48 0.3, तो 0.3 आया गया। देख लो यार ये 36 है और 10.8 है, तो 6 से ही काट दो, 6 6 36, तो 6 बचा ना, 6 6 36 और 6 1 6 6 8 48, फिर 6 से 48 6 8 48, तो 0.3 आ रहा है, तो 0.1.5 आ रहा, अभी 1.5 आ रहा है, देख लेना। ठीक है, सही है तो लग रहा है 1.5, तो n की वैल्यू आ गई 1.5 बच्चों। तो बस अब आइए यहाँ पर, तो साइन i इज इक्वल टू 1.5, बाकी कैलकुलेशन है इधर उधर हो जाए तो देख लेना भाई, साइन i इज इक्वल टू 0.75, तो i की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 0.75। क्लियर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में आपके आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग बच्चों। ठीक है, तो समझ गए 1990, एक बार अच्छे से समझिए और अपने दिमाग को ये समझाइए कि एक्चुअली में क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि क्या हुआ इस क्वेश्चन के में आपके साथ, कि किस तरीके से चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, एकदम सिंपल बातों पे ही अधिकतर क्वेश्चंस पे बात होती है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर, ये है कॉन्सेप्ट। व्हाट, कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है बताइए, एकदम आसान ही है। अब चलिए नेक्स्ट, अब 1995 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, 1995 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको याद होगा कि इस तरीके का केस भी हम लोगों ने, जहाँ पे वाई में चेंज होता है और जहाँ एक्स में चेंज होता है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। तो अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही इत्मीनान से समझने की कोशिश करिएगा। तो रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल, यानी ग्रेजिंग एंगल मतलब इंसिडेंट एंगल इज 90 डिग्री, तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे इसके अंदर पड़ा है। ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस 1 मीटर, ठीक है भाई, एज सोन इन फिगर, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द ओरिजिन 0.0, द मीडियम हैज अ वेरिएबल इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन बाय, तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेयर के की वैल्यू 1 m³⁻³, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इधर की तरफ है एयर और उधर भी एयर है तो 1 दिया गया है। ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द रे एट अ पॉइंट, तो आपको रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द रे एट अ पॉइंट इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट यहाँ पर आपको निकालना है। फिर क्या, ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ द रे, यानी वाई और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, वेरी गुड। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स x1 y1, कहाँ पे हिट करेगा जाके, और फिर पाथ, वो सब कर ही लोगे आप कि, अब देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वाई के साथ, यहाँ एयर था यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे वाई के साथ, और बढ़ते 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 बढ़ के यहाँ पर हाइएस्ट पे पहुँच जाए, फिर एकदम से कम होगा, तो ये नॉर्मल की तरफ जो है धीरे धीरे
बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये समझ में आ रहे हैं, तो ये क्या इक्वेशन है, ये हमको ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले तो हमें स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री बच्चों फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहा था एकदम पतले पतले आप ऐसे पतले पतले रेक्टेंगुलर स्लैब्स बना लें यूं, है ना, ऐसे 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 और ऐसे वैसे ऐसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ ये ऐसे एंट्री मारती हुई रे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता हुआ, ठीक है। लेकिन जब स्लोप के बारे में बात आती है बच्चों, तो ये एंगल लिया जाता है, ये एंगल, ये, ठीक है। दिस एंगल इज समथिंग दैट वी केयर अबाउट बच्चों, ठीक है। तो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज समथिंग दैट वी केयर अबाउट। तो समझ में आ रहा है भाई। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, दैट इज वॉट, कि ये जो है 90 डिग्री पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, बताइएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना भैया, क्या करना, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट, मतलब इसी एंगल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसी एंगल, ये टेंजेंट है भैया, देख लो थोड़ा सा, बाकी आप लोग समझ ही रहे हो ना, हम लोगों ने ऐसे कर लिया है। ये टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये टैन थीटा के बराबर होता है, और वो थीटा लिया जाता है यहाँ से, यहाँ से थीटा लिया जाता है। अच्छा, यहाँ जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं तो सेम ही है, सेम ही है प्यारे बच्चों, ये देखो आई, ठीक है, 90 माइनस थीटा है, ये देखो ये 90 माइनस थीटा है, थीटा इज एक्चुअली आई और 90 माइनस थीटा का रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो कर लें अब शुरुआत कर लें हम लोग। तो यहाँ से एक बात देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर m को लिख लें कि m इज वॉट, m पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, m जो है वो dy वाई बाई डी एक्स है, और जो dy वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है tan थीटा, ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम लोग लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, बोलो, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाओ, और स्नेल्स लॉ याद है आप कहीं पर भी लगा सकते हो, मतलब एक पॉइंट से कहीं पर, मतलब यहां लगाइए, यहां मेरे दोस्तों यहां लगाइए और यहां निकालिए जाके उसको, याद है होना चाहिए यार, स्नेल्स लॉ हमेशा कॉन्स्टेंट बोलता है कि रहता है। तो 1 into sin 90, एयर, एयर का 1 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90। अब दूसरी तरफ वहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ वाई है, और यहाँ पर जो आपका आया है दैट इज 90 माइनस थीटा एंगल आया है, ठीक है, 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो समझ में आई ये बात, तो यहां पे लिखिए एन वाई इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो अब ये 1 हो जाएगा और एन वाई जो होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना है, 1/NY। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए स्लोप और ये इंसिडेंस एंगल थीटा है, उसके ऊपर कहानी चल रही है, तो m इज इक्वल टू स्लोप इज मीन्स डी वाई बाई डी थीटा इज कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखते रहिए बस, अंडर रूट 1 - cos² थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब वैल्यूज को रख दीजिए, तो 1 - 1/NY² / 1/NY, एलसीएम लीजिएगा तो √(NY²-1), तो स्लोप और इसके बीच में जो रिलेशन आया दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट NY²-1 आया, यही तो है, यही तो पूछा है, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे एट अ पॉइंट इन द मीडियम एंड द इंसिडेंस एंगल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो रिलेशन आ गया आपके पास, ये
ठीक है, ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री टैन थीटा एंड द मीडियम एंड इंसिडेंट एंगल एट दैट। तो वो तो हाई गया ना, ये है रिलेशनशिप, और क्या है स्लोप और इसके बीच में, दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप एंगल के साथ। ठीक है, तो टेन थीटा अब हमारे पास है रूट ऑफ एन वाई स्क्वायर माइनस वन, तो दिस इज डन बाय, बोल दो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ एन वाई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर आपके पास रिलेशनशिप आया है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री वाई एक्स ऑफ द रे इन द मीडियम। अब ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब टेन थीटा सेकेंड पार्ट में हम लोग बढ़ते हुए टेन थीटा और एन वाई स्क्वायर, क्या है एन वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो के वाई की पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू प्लस वन माइनस वन। ठीक है, अब वन वन कैंसिल हो गया और स्क्वायर भी था शायद, स्क्वायर किया तो गायब हो गया, एन वाई स्क्वायर किया तो वो गायब हो गया, तो वन और वाई तो इतना ही बचा है शायद। तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ के वाई की पावर थ्री बाई टू, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज वाई डैश इज इक्वल टू के की पावर वन बाई टू और वाई की पावर थ्री बाई फोर। तो ये वाई डैश है, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है, के की पावर वन बाई टू एंड वाई की पावर थ्री बाई टू। अब ट्रेजेक्ट्री निकालने का समय आ चुका है बच्चों, ठीक है ट्रेजेक्ट्री निकालने का, और स्लोप और थीटा के बीच में रिलेशन था बच्चों, तो ये तो आई थिंक बस यही हो गया क्वेश्चन। तो है ना, ये तो पूछा था इंसिडेंट एंगल और स्लोप के बीच में रिलेशन निकालो, ठीक है क्लियर है। सो वाई डैश इज इक्वल टू के की पावर वन बाई टू और y की पावर 3 बाई टू। अब आपको यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स बेसिकली, और y की पावर 3 बाई फोर को नीचे, और k की पावर 1 बाई टू। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आप कर दो भैया इंटीग्रेट, ठीक है। अब y को कहाँ तक करना है, जीरो से y करना है भाई, और x को कहाँ से करना है, x तक, यानी कि dx, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो y की पावर माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर, माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर, तो वन बाई फोर आ जाएगा, और नीचे भी आपका वन बाई फोर आ जाएगा, तो फोर ऊपर चला जाएगा। वैल्यूज रख दो तो y टाइम्स वन बाई फोर इज इक्वल टू रूट k टाइम्स x, रूट k टाइम्स x, ठीक है। तो y की पावर 1 बाई फोर इज इक्वल टू रूट के बाई फोर टाइम्स x, तो y और 4 पावर करोगे तो के स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, ये आपका है, यानी कि 256 है ना, ये आपकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, और वो इंसिडेंट एंगल और उसके बीच का रिलेशन आ ही चुका था। ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे इन द मीडियम, आ गया वाई और एक्स के बीच में रिलेशन। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है भाई, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है, आंसरम। ठीक है, एक अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पे वेयर इंटरसेक्स द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब। अब आसान है यार, अब तो पॉइंट एक्स कॉमा वाई इस ट्रेजेक्ट्री पे निकालने हैं। यहाँ पे एक चीज दी गई है कि वाई का कोऑर्डिनेट वन है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए वाई का कोऑर्डिनेट वन है और ये एक्स कॉमा वन है, जस्ट गो एंड पुट एंड यू शुड फाइंड आउट कि दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो वाई का वन है और एक सेकेंड रेड हो गया, वाई का वन है, के का वन ही होता है, के की वैल्यू वन दी गई है तो वन का स्क्वायर हो गया वो, एक्स की पावर फोर और टू की पावर 256 यानी फोर की पावर फोर था,
ठीक है, तो इसको हम लोग 4 की पावर 4 कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, तो यानी वो पॉइंट कितना हो गया है 1,4, ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो जिस पॉइंट पे जाके ये स्टक किया है वो पॉइंट हमारा, अच्छा x निकाला है 4,1, ठीक है x निकाला ना हम लोग, तो 4,1 इज द पॉइंट जहाँ पे जाके स्टक किया है, स्टक, ठीक है। और चौथा फिर क्या होगा, वो रे फिर से वापस से उसी मीडियम में चली जाएगी भाई, एयर मीडियम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, फिर से बना दो उसको, ठीक है, तो पाथ बना लोगे, तो समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये था देखो ऐसा, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, एक सेकेंड, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल ना, ये रहा, रुक जा गुरु, ठीक है भैया, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ये एंगल हमारा स्टक किया जाके यहाँ पर है, इंसिडेंट एंगल यहाँ पे स्टक किया, ठीक है, आई लिख दे क्या इसको, ऐसे माना हम लोगों ने कि आई है, और ये जो स्लोप बनता है ना, ये देखो, ये ध्यान से सुनने का बाबा, ये एक्स एक्सिस है और इस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो टैन वाला बन रहा है, ठीक है, तो ये रे थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंट हो जाएगी, अरे बहुत कम सा ना, बिल्कुल एकदम लगभग मिनिमम बेंट होगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को कि ये आई है और ये थीटा है, ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग ही अपनी रे जा रही है, थोड़ा सा बेंट होगी बच्चों, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आर अगर हम लोग देखें तो ये थीटा एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है ना, वो जो स्लोप के साथ इन्होंने पूछा है पहले पार्ट में उसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ, ठीक है, आई के टर्म्स, बिकॉज जो स्लोप है ना वो डी वाई बाई डी एक्स इज एक्चुअली दिस टैन थीटा, बट इंसिडेंस एंगल इज नॉट दैट ना, तो वो तुम्हारा देखिए क्या है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्ट लगभग, क्योंकि बिल्कुल अंतर कम है तो ये दोनों बिल्कुल सेम रहने चाहिए, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे 90 माइनस आई लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, 90 माइनस आई, ठीक है, तो ये कॉट आई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज एक्चुअली कॉट आई, आई के टर्म्स में, बिकॉज इन्होंने बोला ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट, तो उसके बीच का रिलेशन के बारे में बात किया बच्चों इन लोगों ने, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बाकी वो टैन है अपना, तो चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो पढ़िए इसको, ट्रांसपेरेंट स्फीयर, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज कैविटी ऑफ रेडियस आर बाय 2 एज क्या है, रेडियस आर बाई टू एज सोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर इज गिवन एज ए प्लस रूट बी बाई सी, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ लेफ्ट सरफेस फोकसेस एट अ पॉइंट पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी माइनस ए, ठीक है भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका, ठीक है, ये क्लियर नहीं होगा,
यहाँ बनाऊँ, अगले पेज पे बनाता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने यहां पर। अब देखिए एक कैविटी यहां पर है, आर बाय टू रेडियस का, तो ये बाहर वाला आर है और ये आर बाय टू है। फिर से सुन लो, ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ कैविटी ऑफ रेडियस आर बाय टू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर इज गिवन एज म्यू, तो ये म्यू है। अब ये क्या चाहते हैं कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेफ्ट सरफेस, तो लेफ्ट सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए, और बनाए कहां पे इमेज, देखो फोकस करती है एट पॉइंट पी, पी पॉइंट ये, यहां पे फोकस करती है। अब देखो क्या होगा कि भाई जब आप पहले इस सरफेस का लो, तो इस सरफेस को कहीं पे जाके आप मिला दो भाई, किसी जगह तो मिला ही दो, है ना, जो इसका है ना, कहीं पे तो इसका इमेज बनेगा जाके। उसके बाद फिर दोबारा से ये वाला सिंगल सरफेस लोगे आप रिफ्रैक्शन के लिए, और यहाँ रे जाएगी, एक सेकेंड, यहाँ फिर दोबारा जाएगी रे, अरे दोबारा रे ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ पड़ेगी, इधर से यहाँ पड़ेगी, फिर ये यहाँ पर पी पे बन जाए, दो बार यानी आपको इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है ठीक है। तो शुरू कर दें हम लोग, तो करिए भैया। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस वी है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, वी डिस्टेंस है, और ये R गिवेन है और ये R बाई टू गिवेन है, तो चलो सब कुछ तो गिवेन है। अब सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू बाई वी माइनस, ये कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वन, तो वन बाई इन्फिनिटी, और म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई R, R पॉजिटिव होगा रे की डायरेक्शन में, कर लिया भैया यहाँ तक। तो यहाँ से क्या आप V निकाल सकते हो, ये तो जीरो हो गया, तो V की वैल्यू आएगी म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। बोलो भैया, खुशी खुशी हो गया इतना, वी आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये वी है, तो जब अगली बार यही चीज करेंगे ना हम लोग, तो आर माइनस वी डिस्टेंस ली जाएगी, तो कर कैलकुलेट कर लो पहले आर माइनस वी, तो आर माइनस वी कितना होगा, म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन आर था, उसको इससे घटाएं, तो म्यू आर माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन, तो म्यू आर कैंसिल, तो ये डिस्टेंस आ रही है माइनस आर अपॉन म्यू माइनस वन। बोलो भैया आ रही है डिस्टेंस, अब इस पे लगाइए आप फॉर्मूला, आर माइनस वी आपको लिखना होगा। तो इमेज कहाँ बन रही है, जस्ट उस पॉइंट पी पे बन रही है, पी पॉइंट आउटसाइड मान रहे हैं हम लोग, तो लिखिए वन बाई वी, ठीक है, माइनस म्यू टाइम्स, और ये इधर की तरफ है डिस्टेंस, तो माइनस ऑफ आर माइनस वी इज इक्वल टू वन माइनस म्यू अपॉन आर बाई टू है इसका, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा। अब वैल्यूज को रख दीजिए, वन बाई वी, म्यू निकालना है, वन बाई वी है कितना, वी यहां से कितना है, आर बाई टू ही तो है, आर ए आर, इस पॉइंट से अब की लेना है, आर ए आर, पॉजिटिव आर, तो वी को रखिए आर, और ये जो भाई साहब आए हैं हमारे आर माइनस वी वाले, इसको माइनस से जब मिलाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, अरे काहे से भैया माइनस, हाँ, तो आर टाइम्स नीचे, आर टाइम्स म्यू, आर टाइम्स म्यू, और ऊपर आपका म्यू माइनस वन पहुंच गया, कूदते फांदते, और एक और ऊपर म्यू था, म्यू, और यहाँ पे देखिए म्यू से म्यू कैंसिल भी हुआ है, वाव, एंड यू हैव हियर टू जाता है ऊपर, और ये आर, अब सब आर वार कट चुके हैं। कैन यू सी बच्चों की क्वाड्रेटिक बनती हुई, नहीं क्वाड्रेटिक इधर से, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, वाव, तो वन माइनस म्यू माइनस वन,
ठीक है, सही है भाई ये सब कुछ। म्यू कहाँ कट गया, यहाँ म्यू कहाँ था, म्यू कहाँ था, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टाइम्स माइनस ऑफ आर माइनस वी माइनस आर अपॉन म्यू माइनस वन आया, तो कहाँ म्यू से कहाँ कट गया, माइनस आर अपॉन म्यू माइनस वन आया तो म्यू कहाँ आया, ठीक है फालतू काट दिया, ये म्यू है म्यू, ठीक है अब सही है। तो वन माइनस म्यू माइनस वन इंटू म्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स वन माइनस म्यू, अब सही है। अब यहाँ पे देखिए वन माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस म्यू का प्लस म्यू इज इक्वल टू टू माइनस टू म्यू, इधर भेजो म्यू स्क्वायर और माइनस थ्री म्यू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है म्यू स्क्वायर माइनस थ्री म्यू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आप म्यू निकाल लो, म्यू इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस अंडर रूट नाइन माइनस फोर ए सी फोर अपॉन टू, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आएगी थ्री प्लस रूट फाइव, निगेटिव नहीं करना है उसको, म्यू इज थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू आया गया। तो अब देखिए वहाँ पे ए जो है वो तीन है, बी जो है वो पाँच है और सी जो है वो दो है, और फिर कुछ पूछा है हमसे बी सी माइनस ए, तो भैया ये पूछा ये क्वेश्चन में, तो बी इंटू सी आएंगे दस, दस माइनस तीन इज इक्वल टू सात, ठीक है तो ये आंसर है। तो आया समझ में कैसे हुआ, तो सिंपल था ठीक है, पर भैया समझना पड़ेगा आपको सिंगल सरफेस एट रिफ्रैक्शन वगैरह किस तरीके से हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द ग्लास बीकर इज मेड अप ऑफ अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो इधर बना लें फिगर, ध्यान से देखिएगा बस, ग्लास का बीकर है, उस बीकर में नीचे लेंस है, तो बॉटम ऑफ अ ग्लास बीकर इज मेड अप ऑफ अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैविंग बॉटम साइड सिल्वर्ड एज सोन इन द फिगर, तो इसका जो बॉटम पार्ट है वो सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड, ओके। नाउ वाटर इज फिल्ड इन द बीकर अप टू हाइट 4 मीटर, तो 4 मीटर तक वाटर फिल्ड है इसमें, 4 मीटर तक, ठीक है। द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग एट, इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग एट यहां पर, नाउ इमेज, फिर से सुन लो, द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द बीकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोटिंग एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द बीकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंसाइड्स विद इटसेल्फ, ठीक है भैया पॉइंट ऑब्जेक्ट तो यहाँ है लेकिन कंसाइड यहाँ हो रहा है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है दैट इज ए म्यू जी इज इक्वल टू 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड बाकी का 4/3 है, ठीक है तो गुड है। तो देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रे पास होती है तो वो बैक ट्रैक करती है, ठीक है ना, तो एच इसको मान लेते हैं और इसको 4 मीटर गिवेन ही है कि एच इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है तो समझते हैं कि क्या होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर रहे हैं, सरफेसेस कौन कौन सी, एक तो वाटर की सरफेस है, ठीक है और एक ये लेंस है और वो सिल्वर्ड है, ठीक है इतना सब हो रहा है। तो देखिए सिनेरियो ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसकी पहले क्या होना चाहिए भैया, किसी तरीके से यहाँ इमेज बननी चाहिए मिडिल पॉइंट पर, ठीक है मतलब उसके रेडियस ऑफ, इस पूरे कॉम्बिनेशन के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बननी चाहिए, तब क्या होगा कि वो बैक करेगी, या तो पोल पर जाए,
पोल पे देखिए यहाँ नहीं जा पाएगी अगर आप रे को ऐसे डालेंगे, क्योंकि ये थिन है ना, तो आप ऐसे डालें और आप सोचें कि वो पोल पे चली जाए, है ना, यहाँ पर पोल है हमारा, वो पॉसिबल नहीं है थिन लेंस के केस में। दो ही केसेस होते हैं, तो पोल पे इमेज बने जाके तो फिर वो वापस से पूरा रे को रिट्रेस करके वहाँ पहुँच सकती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए तो बैक ट्रैक करती है ना। दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह, ठीक है, तो इससे यहाँ कहीं आई और इसके बाद जो आए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो बनाते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग नेट नेट बना देते हैं कि यूं गई है, देखिएगा ऐसे गई है, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़नी चाहिए रे, और फिर कैसे जानी चाहिए, यहाँ पर जानी चाहिए, और यहाँ चली गई तो अपने आप फिर वहाँ बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया, यहाँ इमेज मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का इमेज यहाँ बनना चाहिए, फिर अपने आप ही वहाँ बन जाएगी, दैट्स इट, फिर वो रिट्रेस कर देगा सब कुछ। ठीक है, तो शुरू कर दें हम लोग। तो इमेज इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। तो शुरू करते हैं भाई, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन लगाइए। तो सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1 टाइम्स r, ठीक है। तो ये पानी है, पानी 4/3, और ये वाटर है 3/2, नहीं ये ग्लास है 3/2 और ये वाटर है 4/3। अब लगाओगे तो यहाँ पर 3/2 इमेज कहाँ बन रही है, 3/2 पे पहले, और माइनस आर, ठीक है, माइनस आर पूरे कॉम्बिनेशन में, माइनस 4/3 फिर यहाँ बन रही है ना। ओके, सो 3/2 माइनस आर, माइनस 4/3, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, नेट नेट ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, 4 मीटर पे है, तो वो -4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 -4/3, -4/3 अपॉन प्लस आर, ठीक है। तो कर लीजिए फिर से एक बार, देखें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ बनाएंगे, 3/2, 3/2 माइनस आर यहाँ पे बना रहे हम लोग, ठीक है, पीछे है तो माइनस आर, ठीक है, रे यूं जा रही ना, नेट देखिए कहाँ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, और ये इधर है, ठीक। तो -4/3, और कहाँ पर बन रही है, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट रे की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है, और 3/2 -4/3 और प्लस आर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से हमें क्या निकालना है कि अगर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, सॉल्व करिए यहाँ पर, पूरा सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, 4 से 4 काट दो, -4 से -4 काट दो, तो यहाँ पर -3/2 r, -3/2 r, यहाँ भी देखिए कितना हो गया, +1/3, +1/3 इज इक्वल टू 339 -8/6 r, 8/6 r, ठीक है, एक ही तरफ कर लो, ही 6 ले लो एलसीएम, ठीक है, तो -9/6 r और 2/ठीक है, तो ये 6 r 6 r उड़ गया, तो 2 r - 9 इज इक्वल टू 8, तो r इज इक्वल टू 17/2 r है भाई, देख लो सही है क्या।
फिर से सॉल्व करके देख लो, 3 बाई 2 अपॉन माइनस आर माइनस 4/3 माइनस 4, 3/2 माइनस 4/3 प्लस आर, सही किया मैंने, और 3/2 माइनस माइनस 3/2 आर, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 9/6 आर, और 4 कैंसिल प्लस 1/3 तो 1/3 तो 2 आर से मल्टीप्लाई किया तो 6 आर, और इधर देखिए ज़रा 9 माइनस 8 8/6 आर, सही है, तो ये 6 आर कैंसिल हो गया सब तरफ, तो 2 आर तो आ रहे 17/2, ठीक है। क्लियर है, तो 3/2 ये इसका आर है ना, तो 3/2 माइनस आर, फिर माइनस ये इमेज है, ठीक है, इस 3/2 वाले मीडियम में रे जा रही है, ठीक है, रे कहाँ जा रही है, 3/2 मीडियम में, माइनस आर माइनस 4/3 टाइम्स, और ये कितना है 4 मीटर ऑब्जेक्ट माइनस रहेगा, और 3/2 माइनस 4/3 बाई प्लस आर, ठीक है। माइनस 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 माइनस, यस करेक्ट है, चलो भाई ठीक है, तो समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, 3 3 3 3 4 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस आर इंक्लोजेस एन ओपेक सरफेस ऑफ रेडियस आर बाय 2, बोथ आर कंसेंट्रिक, द स्फीयर इज केप्ट ऑन ग्राउंड एंड लाइट रेज आर इंसिडेंट वर्टिकली ऑन द स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ शेडो ऑफ ओपेक सरफेस फॉर्मड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मतलब यहाँ पर कैसे हो रहे। तो देखिए मान लीजिए कोई रे यहाँ पर आई, मतलब जो ऐसी रे हो जो इसको ग्रेज करते जाए, मान लो वो ग्रेज करते हुए इधर पहुँच गई, और इधर वाली रे इसको ग्रेज करते हुए इधर पहुँच गई, तो ये इसकी शेडो इतनी बड़ी हो गई, क्लियर है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस शेडो की लेंथ कितनी है, समझे कि नहीं समझे, तो बढ़िया सा फिगर बना लें बच्चों, बाकी तो म्यू बस रूट 3 दिया है, और आर आर वाई 2 दिया, वो आर दिया, और कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं बच्चों जिसमें आप ज़्यादा सोचने समझने के लिए आपके पास कुछ हो ही ना, क्या करोगे आप। तो चलिए भैया बड़ा सा बनाते हैं सर्कल, अरे यार सही से फिगर बनना चाहिए यार यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये दो सर्कल बना लिए हम लोगों ने, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी रे, एक तो देखो सेंटर से रे आएगी ऐसे, तो वो एकदम ऐसे डैश डैश करके हम लोग यहाँ से इसके भी सेंटर से इसके भी सेंटर से पास करते हुए यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट,
अब देखिए एक रे का काम बस कर लें, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। तो ये वाली रे यहाँ पर देखिए थीटा एंगल पे कुछ इंसिडेंट होगी, और जो भी इसका नॉर्मल है वो दोनों के सेंटर पे जाएगी वाइट से। तो भैया थोड़ा सा फिगर सर्कल तो मैंने नहीं, इसलिए आपको अच्छी ज्योमेट्री हो सकता ना दिखे, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल है, यहाँ पे देखिए हमारा थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। तो ये रे किस तरीके से जा रही है आगे चलकर, वो हमें निकालना होगा बाय यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज गिवेन कि ये रूट थ्री है, ठीक है। तो किस एंगल पे ये पड़ रही है ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो आप लगा दो, एक तो 1 into sin theta इज इक्वल टू म्यू रूट थ्री टाइम्स साइन सम अल्फा, ठीक है। अब देखो जो भी रे इसका इमेज बनाएगी, ये चीज तो एटलीस्ट क्लियर है कि वो इसको ग्रेज करते हुए जाएगी, वो इस रे को यहां पर क्या करेगी, ऐसे ग्रेज करेगी, ग्रेज ये चीज, ठीक है। तो ये जो भी रे है ना, दिस इज गोइंग टू ग्रेज इट। तो ये चीज आपको, ये जो साइन अल्फा है ना, ये अल्फा, ये भाई आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल से एंगल जो बन रहा है वो साइन अल्फा है। तो ये गिवेन है आपको आर बाई टू, और ये गिवेन है आपको ये थोड़ी ना गिवेन, ये आर है, सेंटर दोनों के सेम है। तो साइन अल्फा की वैल्यू देखिए आप क्या है, आर बाई टू टाइम्स आर, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो दिस इज हाफ। तो साइन थीटा विच इज कमिंग इज बेसिकली रूट थ्री बाई टू, तो यानी कि ये 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुई है, ये हमें पता चला, ठीक है। ये थीटा था जो कि अभी अभी हम लोग निकाला है कि ये 60 डिग्री है, और ये हमको यहाँ पर पता चला है कि अल्फा जो है वो 30 डिग्री, क्लियर। ये 30 डिग्री है और ये 30 है, ये 60 है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रांसपेरेंट बोथ आर कंसेंट्रिक, फाइंड द रेडियस ऑफ द शेडो ऑफ द ओपेक स्फीयर फाउंड ऑन द ग्राउंड। अब ये कहाँ पहुँच रही है, ये हमें ज्योमेट्री से देखना है कि ये रे जो है ये कहाँ पहुँच रही है, यहाँ पहुँच रही है तो ये पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आखिर पहुँच कहाँ रही है ये हमें निकालना है, ठीक है। वॉट इज द पोजिशन ऑफ दिस, वेयर एक्चुअली इट इज मूविंग। तो जो भी है इधर इसको 90 बनाना पड़ेगा, ये 30 है ये 90 बिकॉज इट्स अ टेंजेंट, तो दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 रहेगा, ध्यान से देखिएगा ये 90 रहेगा, इसको स्ट्रेट ले जाइए आप टेंजेंट पे, स्ट्रेट ले जाइए बच्चों, और इसको आप जो है इसको मिलाइए, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार वही होगा कि ये एंगल आप देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा बात को, कि ये एक एंगल आपके सामने से आर बाई टू है और ये आर है और ये 90 है, तो ये क्योंकि भाई टेंजेंट है तो ये हाइपोटेन्यूस है आर, तो ये एंगल फिर से 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 30 है ये 90 है तो ये 120, ये 60 है, तो ये 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है भैया? अच्छा, अब हमें ये पता करना है कि एक्चुअली ये कहाँ गया, ये कौन सा पॉइंट है, है ना। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉइंट जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा हो, जो मेरा थोड़ा सा हिल डुल गया है ना, ऐसा भी हो सकता है एग्जैक्टली ये पॉइंट यहीं हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो उसके लिए अपने को क्या होना चाहिए कि ये एंगल भी 60 अगर आ जाए, अब देखो अगर ये एंगल 60 से ज़्यादा आ गया तो
तब तो अलग ही बात है। और बाकी अगर ये एंगल कहीं 60 आ गया ना तो फिर ये सही होगा। तो अब यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ से कमाल कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल रेज, उन्होंने कहा था कि पैरेलल रे आती हैं। तो ये आप देखिएगा जरा, ये जो है तो इस नॉर्मल के साथ ये 60 डिग्री बनाती है। ध्यान से देखना, ध्यान से प्यारे बच्चों, दिस इज 60, दिस इज है ना भैया, ये पैरेलल हमने इसी रे को आगे एक्सटेंड किया है टू सी ये कितना एंगल 60 है। अब क्योंकि ये और ये वाली रे पैरेलल थी, तो ये आपके एंगल होती ना ऐसे ट्रांसवर्सल के अपोजिट वाली एंगल 60-60 होती हैं। तो ये देखिए 60 हो गया बच्चों, कमाल हो गया, दिस इज 60, यहाँ से 60 से 60 आए वर्टिकली अपोजिट करके, और ये पैरेलल से 60 आए, और ये 60 अभी अभी हम लोगों ने निकाला। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60, तो ये एक्चुअल यहीं पर बना है। अब थोड़ा सा मुझे अपना ये फिगर सुधारना पड़ेगा, है ना। तो ये एक्चुअल में ये रे को यहाँ लाना है हमें, ठीक है। अब हमें थोड़ी ना पता था कि यहाँ आएगा, तो ये 90, 60 और ये 30 आ गया था। तो समझे बात को कि नहीं। तो यानी कि ये इसी पॉइंट पी पे ही आके मिला। अब ये वाली रे अगर इसी तरीके से आई है तो इधर से भी एक रे इधर से आएगी, तो इस पॉइंट पी पे इमेज केवल एक पॉइंट इमेज बनेगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस पूछा था शायद, फाइंड द रेडियस ऑफ द शैडो ऑफ द ओपेक स्फीयर फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड। तो भैया कुछ नहीं बन रही शैडो, एक पॉइंट शैडो बन रही है, तो रेडियस रेडियस विल बी जीरो। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो क्या लगी है, मतलब पूरा ज्योमेट्री का खेल है, और बहुत ही हलवा टाइप की ज्योमेट्री लगी है, बट उस समय क्वेश्चन करते वक्त आपका दिमाग बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए टू क्रैक सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये तो समझ में आना चाहिए कि भैया कैसे ग्रेज करेगी तब इमेज बनेगी, फिर एंगल्स वगैरह कैसे हैं, ठीक है। तो समझ में आया भाई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा था। पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक फॉर्म्स ऑन द कन्वर्जिंग, अच्छा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन इसके बाद वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया ये सब, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इन द डायग्राम, इन द डायग्राम सोन, इन द डायग्राम सोन अ रे ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ, तो अभी मैं बनाऊंगा डायग्राम, अभी तो सो ही हो जाने दो। इन द डायग्राम सोन अ रे ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ ऑलमोस्ट 90 डिग्री ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड एट क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्टेड होगी तो क्या होगी भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। Trace the path of the light ray using the details given, ठीक है। Distribution of refractive index is also given. Distribution of refractive index is also given. ठीक है। And R2 by R1 is equal to 1 by K. ठीक है भैया।
इनकमिंग ऑफ लाइट, इनकमिंग ऑफ लाइट रे, इनकमिंग ऑफ लाइट रे इज अलोंग यूनिट वेक्टर, इज अलोंग यूनिट वेक्टर आई, इज अलोंग यूनिट वेक्टर आई, देन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, देन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट वेक्टर। समझ गए? तो भैया जे एडवांस प्रॉब्लम, इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे, ठीक है, फाइनल इमर्जेंट रे। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, कि म्यू वन इज इक्वल टू वन व्हेन आर वन इज लेस देन आर, अभी मैं बताता हूँ भैया, फिगर नहीं बनाया ना अभी, तो म्यू इज इक्वल टू के, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू के व्हेन आर टू और आर के बीच में, आर वन के बीच में रिलेशन ऐसा है, और म्यू बराबर के स्क्वायर, ठीक है भाई, आर टू ग्रेटर देन आर। तो ये सब ध्यान रखना है, एंड ऑल्सो गिवेन कि आर टू बाई आर वन वन बाई के है और के की वैल्यू है टू, ठीक। अब बनाना है स्फेयर, दो स्फेयर, स्फेयर के अंदर स्फेयर, ठीक है, कहाँ बनाऊं मैं, थोड़ा बड़ा, ये तो ज्योमेट्री करने में आफत ही आएगी, ठीक है भैया, टफ है ये क्वेश्चंस में बोल दूँ आपसे, ठीक है भैया, हमारे चैनल में आए हो तो हम तो कोशिश करेंगे आप एडवांस, लेकिन आप ही अगर, ठीक है, ये नहीं मेहनत करना चाहते तो क्या किया जाए भैया, ठीक है, ठीक है, तो समझ गए, इस तरीके से कुछ सिचुएशन है, ठीक है। तो बड़ा वाला रेडियस कितना है, देख लो के दिया है टू, तो आर वन बड़ा है, तो ये बड़े वाले का रेडियस जो है वो आर वन है और छोटे वाले का रेडियस आर टू है। कहाँ लिखूँ मैं, ये इधर कहीं रख दो, नहीं तो रे वे बनाने में भी तो दिक्कत आएगी ना भाई। कौन सा बड़ा बताया था मैंने, आर वन, तो ये आर वन है और ये हल्का सा मैं यहीं पर बना देता हूँ, ये आर टू है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं ये, क्वेश्चन पढ़ते जाओ डायग्राम, इन द डायग्राम सोन, तो समझ गए, रे ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ ऑलमोस्ट 90 डिग्री ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, द रे द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड एट एन क्रिटिकल एंगल, ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे यूजिंग द डिटेल्स गिवन, डिस्प्ले में बनाना पकड़, चलिए भैया। तो एक चीज जो गिवेन है कि इंसिडेंट रे जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, ब्लू से कर लेंगे, ठीक है भाई, ऐसे आई है इंसिडेंस ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम लोग इसके सेंटर पे ऐसे करें, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे बोल रहे हैं आई है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे आई है, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे आई है। और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, इन द डायग्राम रे ऑफ लाइट रे एट एन एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री ऑन द आउटर, द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड एट क्रिटिकल एंगल, ट्रेस द पाथ यूजिंग द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो गिवेन, ठीक है भैया। तो किसी क्रिटिकल एंगल पे गई है, तो यानी कि ऐसे देखिए लाइट रे अपनी गई है भाई, यू गई है लाइट रे, ठीक है, ऐसे गई है। तो क्या करो, एक तो पहले आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ और देखो क्या होता है, तो क्योंकि 90 डिग्री है तो ऐसे लगा दो, म्यू वन तो वन है और आर वन लेस देन आर होता है यहाँ पर ना, ऐसा है, तो म्यू वन वन लेंगे हम लोग, ये लिखा था ना मैंने यहाँ पर, म्यू वन इज इक्वल टू वन, तो भाई लगाओ स्नेल्स लॉ एट दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे म्यू वन है और ये इंसिडेंट एंगल जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री है, तो साइन 90 और 90 है तो इसलिए के टाइम साइन थीटा आया है, तो साइन 90 इज 1, तो साइन थीटा इज एक्चुअली कमिंग एज 1 बाय के एंड द के का वैल्यू इज 2, तो दिस थीटा इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी हाउ मच, इट इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री,
तो भाई लोगों यहाँ पे 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री है तो अब थोड़ा सा देखिएगा 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ। बिकॉज ये R1/R2 का रेशियो, तो मैं अगर इसे R2R लिख दूँ और मैं इसको R लिख दूँ तो दैट विल बी क्वाइट बेटर, क्योंकि यही रिलेशन K का दिया गया है। तो ये आपका 2R है बच्चों, और ये R है ना, समझे। तो ये 30 बनाने का मतलब है कि ये 90 डिग्री पे यहाँ पर आई है बच्चों, और ये वाला हुआ है 60 का धमाल। भैया मान लिए आप लोग ये बात मान लियो कि इसने बनाया 90, ग्रेज कर रहा था, ग्रेज, दिस इज ग्रेजिंग, ऐसे ग्रेज करके यहाँ पर आया है लाइट रे, ये लाइट रे आ रही है ऐसे। फिर से 90 पे ही पड़ी है इस पे, तो फिर से आप जो है रे को ट्रेस करने के लिए इस पॉइंट को बी पॉइंट हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे फिर से लगाइए आप। तो यहाँ पर देखिए, जब पॉइंट बी पे लगाएंगे तो ये के है और ये शायद के स्क्वायर है ना, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया। तो के और साइन 90, और अब के स्क्वायर और नॉर्मल के साथ कितना एंगल है वी विल फाइंड आउट, दैट इज साइन आर समथिंग, थीटा वीटा जो करना है कर लो, और के से के कैंसिल हो गया। तो साइन आर इज अगेन कमिंग एज 1/k, तो के का वैल्यू इज 2, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, 30, तो ये 30 डिग्री बच्चों। है ना, ये वापस से k की वैल्यू 1/2, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया दिस इज 30 डिग्री आया है, तो ये 30 डिग्री पे आया है भैया। तो फिर ये साइन 30 है तो यहाँ पड़ा है। अब ये कौन सा एंगल पे जाएगा वो देखना पड़ेगा, यहाँ से नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा ना ये। अरे यार ये चला गया क्या, नहीं। अब ये नॉर्मल यहाँ पर तो सेंटर से ही मिलेगा ना ऐसे। बहुत भैया अच्छे सवाल हैं सब, ठीक है। तो ये नॉर्मल के साथ ऐसे क्या एंगल बनाया वो अपने को निकालना पड़ेगा। ये 30 है प्यारे बच्चों, दिस इज 30, अब हमें यहाँ निकालना है, यहाँ ये कितना एंगल बन रहा है बता सकते हो। अरे 30 बनेगा गुरुजी, क्योंकि R और R सेम है ना, तो बस बन गया ये 30 बन गया। अब फिर से लगाओ, अब लगाओ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, K स्क्वायर। अब ये पॉइंट C पे देखेंगे हम लोग कि कितने पे जा रहे हैं, K स्क्वायर C पे लगा रहे भैया, B पे लगाया स्नेल्स, स्नेल हियर, A पे लगाया स्नेल। तो रेडी हो जाओ बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, तो के स्क्वायर मजा आना चाहिए। तो ये साइन 30 है और ये कितना है के के के, और ये साइन R1 मान रहे हैं इस बार हम लोग, तो ये के से के कैंसिल एक हो गया, के का मतलब 2 और साइन 30 का मतलब हाफ। ओ माय गॉड दिस इज साइन R1। अब देखिए R1 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई बच्चों, तो यानी कि बस इसको ग्रेज करते हुए ऐसे चलिए। अब क्या होगा, अब और एक दिक्कतों का दिक्कत है कि ऐसे ट्रेस कर गए भैया, यूं 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 पड़ी जाके, आप यूं पड़ी जाके। अब फिर से, अब कि ये सेंटर से नॉर्मल आ रहा है भाई, इसको मिलाओ यहाँ पर एक ए स्क्वायर, ये यूं सेंटर से नॉर्मल आ रहा है, बढ़िया फिगर बनाने हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल, यहाँ टेंजेंट वगैरह बनाओ, ये टेंजेंट वगैरह है यहाँ पे नॉर्मल, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब ये थीटा हमें पता करना भाई, ये नहीं पता कर पाओगे, क्यों नहीं पता कर पाएंगे, फिर से देखिए पता चल जाएगा। ये आ रहे हैं, ये देखो यहाँ से ऐसे गई है
ट्रेस 90 करते हुए, तो दो समझ गए ना बात को। तो ये सामने और ये थीटा एंगल पता कर रहे हैं, तो ये 2r है और ये r है, और फिर से एक बार बच्चों साइन 30 लगाते हुए, साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला r रेडियस और ये 2r, क्या मतलब सेटिंग क्या की गई क्वेश्चन की, देख रहे हो थीटा जो है 30 डिग्री आ गया। अब ये हमारा थीटा यहाँ पर 30 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। अब फिर से स्नेल्स लॉ एट पॉइंट डी, फिर से स्नेल्स लॉ एट पॉइंट डी, डी पे स्नेल्स लॉ लगाएं, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर के है के, तो यहाँ पे के टाइम्स साइन 30 इज इक्वल टू 1 टाइम्स साइन आर। वाओ मैन, दिस इज 2 एंड दिस इज हाफ, यू आर गेटिंग आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इस नॉर्मल के साथ ये रे जो है बिल्कुल ऐसे चली जाएगी भैया, 90 डिग्री बनाना है इसको। तो ये पाथ को रीट्रेस करते हुए यूं जा रही है, यूं 90 डिग्री बना रही है। तो अब आपको क्या करना है, ये पता करना है कि ये कितना एंगल है भैया, एक्स एक्सिस से एंगल पता चल जाएगा तो काम आपका हो जाएगा, है ना। मजा आ गया भाई, है ना। अब देखो बहुत आसान है, ज्योमेट्री है हल्की फुल्की, और क्या, यहाँ पर 30 डिग्री भैया, और ये टैन, ये नॉर्मल है, टेंजेंट है, 60 डिग्री है। अब क्या यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पाओगे, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक्स एक्सिस के साथ ये यूं बना रहे 60 डिग्री बच्चों, प्यारे बच्चों, एंड दिस इज योर एंगल। अब आप इसको कॉस 60 माइनस कॉस 60 आयोटा प्लस साइन 60 जे, पहले ये हमारा इमरजेंट वेक्टर है रे का, तो कॉस 60 इज हाफ, सो दिस इज माइनस हाफ आई, एंड साइन 60 इज रूट 3/2 j, ठीक है। तो इमरजेंट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर इसके अलोंग निकालना था, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई, कितना आएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 1/4 प्लस 3/4, दैट इज 4y, इट्स ऑलरेडी अ यूनिट वेक्टर बिकॉज सेम एंगल, ओह माय गॉड। सो दिस इज व्हाट इज योर इमरजेंट का यूनिट वेक्टर बच्चों, तो सॉल्व हो गया, मजा आया, अच्छा था क्वेश्चन। डिड यू लाइक दिस, लाइक नहीं करोगे तो बैठोगे भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, मजा आनी चाहिए, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, एक बार में ना आए तो बार बार देखो क्या हो रहा है। तो ज्योमेट्री लगाते जा रहे हैं, स्नेल्स लॉ लगाते जा रहे हैं, ज्योमेट्री लगाते जा रहे हैं, स्नेल्स लॉ लगाते जा रहे हैं, और बस वेक्टर बस बना दिया। चलिए भाई अगला भी तो कोई सवाल था, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक फॉल्स ऑन अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो लेट मी सी कितने क्वेश्चन और अपने को करने हैं, तो दो क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एडवांस प्रॉब्लम वाला अपना ये मामला पूरा हो जाएगा। तो देखिए भाई क्या कह रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉल्स ऑन अ थिन कन्वर्जिंग लेंस हूज मटेरियल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आफ्टर टू इंटरनल रिफ्लेक्शन वन एट ईच फेस ऑफ द लेंस द लाइट इमर्जेस देन द बीम विल मीट द ऑप्टिकल एक्सिस एट अ डिस्टेंस एफ बाय एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वेयर एफ इज द फोकस देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी एट अ डिस्टेंस एफ बाय एक्स और एट अ डिस्टेंस x and I think we need to find out the value, उल्टा हो गया ये, at the distance x from the lens where f is the focus then the find the value of f by x, क्या value निकालनी है यहाँ पर f by x, ठीक है। तो figure बनाइए भाई, thin lens, converging thin lens, convex lens, बनाइए, थिन है, अगले पेज में बनाए,
थोड़ा जगह ज्यादा हो जाएगी, बीच, ठीक है। ठीक है, ये करिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉल्स ऑन अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, तो भाई ऐसे भेजिए आप इसको लाइट रे को, ऐसे पैरेलल बीम आई हुज ऑन अ थिन एंड द मटेरियल हैज म्यू, सम म्यू इट हैज बीन गिवन, कितना म्यू है 1.5 गाइस, ठीक है भैया। आगे देखो क्या होता है, फिर कहानी में ट्विस्ट है। After two internal reflections, so, तो भैया internal reflection होता है, यानी कि यहाँ जाती है रे और फिर यहाँ आती है रे और फिर यहाँ रे यू, मतलब एक बार यहाँ internal reflection होता है और एक बार इस सर्फेस में internal reflection होता है। ओके, द लाइट इमर्ज कर जाती है, लाइट इमर्ज करती है एंड देन द बीम विल मीट एट द ऑप्टिकल एक्सिस एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेंस वेयर एफ इज द फोकस एंड द वैल्यू ऑफ एफ बाई एक्स। ओके गाइज, तो लेट अस सी, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि इट इज एक्टिंग एज अ मिरर एंड दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ मिरर। तो एक बार आपका लेंस का इक्वेशन, एक बार मिरर का इक्वेशन और एक बार मिरर का इक्वेशन, यानी एक बार लेंस और दो बार मिरर लगाएंगे तो फिर ये एक्स फाइंड आउट होगा, क्लियर। तो ये आपका एक्स है, यहाँ जहाँ फाइनल ये गया है सेंटर से, दैट डिस्टेंस हैज बीन टेकन एज एक्स, क्लियर। अब देखिए पहली बार जो है ये कहाँ इमेज बना रहा है वो, क्योंकि अगली बार के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरीके से एक्ट करेगा, तो वाइट से बनाते हैं उसको। ये रे को ऐसा सीधा भेजने का, बाबा इसको सीधा भेजने का, एंड दिस इज आई वन, ठीक है। अब इसको पीछे ले जाके भेजने का है इधर इधर इधर, सो दिस थिंग इज आई टू, है ना, ये आई टू है। अब इसको फिर से आगे ले जाना है अपने को, एंड दिस इज नथिंग बट आई थ्री, थोड़ा सा अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना है ना, ऐसा मान लो, ठीक है, आई थ्री, समझ जाओगे आप। अब इक्वेशंस लिखना शुरू करिए आप, तो पहले तो सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी तरीके से लेंस की तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है, एक सरफेस एक यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मिरर के तरीके से होगा और यहाँ पर भी मिरर के तरीके से होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज है और ये दोनों क्या है, ये है ना, ये म्यू 1.5 है, उधर भी म्यू 1 है बच्चों, और इधर भी आपको म्यू 1 है। तो फिर पहला इक्वेशन सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो कुछ कुछ डिस्टेंसेस अपने को ज़रूरत पड़ेगी, तो वी आर टेकिंग इट एज एक्स वन, ठीक है भाई। इसको क्या ले लें, ये आई टू के लिए एक्स टू ले लेते इधर, और वो तो x ही है, और इसको भाई लोग x3 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको फोकल लेंस से रिलेट करता है, इसको फोकल लेंस से इसके लेंस के रिलेट करना है, यानी कि 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है, बिकॉज म्यू माइनस 1 टाइम्स 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, तो ये 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, r दिया नहीं है तो हम लोग इक्विकॉन्वेक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो पहले सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन लगाते हुए यहां पर, तो म्यू वन इंफिनिटी से, अच्छा म्यू क्या है 1.5, तो ये देखिए रे कैसे मुड़ी है, किस मीडियम में गई है 1.5 वाले में, तो म्यू वैसे लिख लिया, और कहां बनी है इमेज एक्स वन पॉजिटिव, बोलो बोलो, माइनस 1 बाय इन्फिनिटी से आती हुई, और फिर क्या होता 1.5 माइनस 1 यानी कि म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस आर, ठीक, यहाँ तक की हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी जो है वो मिरर इक्वेशन होगी, मिरर इक्वेशन होगी दूसरी, तो अब इसमें लिखिए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यही होती है ना मिरर इक्वेशन, तो 1 बाई वी, तो भैया लिखो कहाँ पर जा रही है, इधर की साइड गई है माइनस एक्स टू अपोजिट, प्लस आई कहाँ से है एक्स वन, ठीक है।
ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर जैसा बिहेविंग है ना, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई माइनस आर, यानी कि इसकी फोकल लेंथ निगेटिव हो गई। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स वन प्लस 1 बाई एक्स वन इज इक्वल टू 2 बाई माइनस आर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक बार और मिरर इक्वेशन लगाओ थर्ड टाइम, दिस इज सेकेंड थर्ड मिरर इक्वेशन, थर्ड 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 मिरर इक्वेशन लगाई भैया। तो थर्ड में ऑब्जेक्ट कौन है, अब एक्स थ्री, और इमेज कहाँ है, एक्स टू, लिखो भैया। थर्ड ये है, थर्ड तो आखिरी, ये इमेज थ्री बनी, एक्स थ्री में इमेज है और ऑब्जेक्ट इसके लिए एक्स टू वाली दूरी पे था, तो लिखो, तो वन बाई, अच्छा फाइनल फाइनल क्या कर रहे हैं, वन बाई एक्स इसी साइड है और इसके लिए जो इमेज आ रही है वो आई टू वाली इमेज आ रही है, आई थ्री वाली इमेज आ रही है, यानी कि एक्स थ्री आ रही है, माइनस म्यू में है वो, म्यू टाइम्स एक्स वन बाई क्या है, रुक जाओ करने दो, ये वाला कर लिया मैंने, ये वाला कर लिया मैंने, दो करा अभी तक, दो ही तो किया, थर्ड अब ये वाला करना है यार, ये फाइनल है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ बना रही, यहाँ ये इधर बन रही, आई थ्री बन रही, ये इमेज है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है भैया, ये जा रहा था है ना, तो लिखो मिरर इक्वेशन, तीसरी मिरर इक्वेशन लिखो, वन अपॉन माइनस एक्स थ्री, वन अपॉन माइनस एक्स थ्री उल्टी डायरेक्शन में, प्लस वन बाई एक्स टू इज इक्वल टू टू बाई माइनस आर। ठीक है, ये देखो ये इमेज बनी है यहाँ पर, और क्योंकि रे कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी तो उसके अपोजिट है इसलिए माइनस है, और ऑब्जेक्ट उसी के डायरेक्शन में वन बाई एक्स टू, और ये हम लोग कॉनकेव जैसे ले रहे हैं मिरर को, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब फोर्थ बच्चों सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन, ये थर्ड है, नाउ फोर्थ इज सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वन बाय एक्स, क्योंकि फाइनल वन में बनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस, और फिर एक्स थ्री था तो माइनस म्यू टाइम्स एक्स थ्री, और फिर वन माइनस म्यू टाइम्स माइनस आर। ठीक है, ये फोर्थ है। अब इन सबको आप सॉल्व करिएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, देखिए फर्स्ट और फोर्थ ऐड करें सब, हमें निकालना क्या था, फोकल लेंथ निकालना था। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो बच्चों, सबको ऐड कर दो। ठीक है, और सब कटना चाहिए, ये सब बीच की चीज़ें कटनी चाहिए, एक्स बचना चाहिए बस, तो ये वन बाई एक्स, तो इसलिए फोर्थ ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट में वन बाई इन्फिनिटी तो गई, म्यू बाई एक्स वन कटना चाहिए, तो यहाँ पे म्यू है, दूसरे में म्यू नहीं है, तो सेकेंड को माइनस टाइम सेकेंड म्यू होना चाहिए, माइनस म्यू टाइम सेकेंड, क्योंकि एक्स वन कैसे कटेगा, सेकेंड वाली इक्वेशन को वो करना है, और यहाँ देखिए माइनस म्यू एक्स थ्री है, तो एक्स थ्री भी कटना है, तो एक्स थ्री में वहाँ माइनस था ना, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो माइनस टाइम्स, तो माइनस म्यू टाइम्स थर्ड। ठीक है, तो बीच वाली चीज़ें सब कट जाएंगी बच्चों, तो फाइनली व्हाट यू विल लेफ्ट विद इज वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स म्यू बाई आर, ये कैलकुलेशन करना बच्चों, टू टाइम्स म्यू माइनस वन टाइम्स आर, तो पूरा सॉल्व करो, देखो छः म्यू और माइनस दो, तो सिक्स म्यू। ठीक है, फोर म्यू आर पूरा सॉल्व करो यार, म्यू एक्स वन और फिर सेकेंड वाले को माइनस किया तो कैंसिल ही हो गया, फिर ये भी कैंसिल हो गया, तो म्यू माइनस वन प्लस आर, सेकेंड वाले में क्या हुआ था,
पहले और चौथे को ऐड कर लो, यहाँ पे करता हूँ मैं ऐड म्यू माइनस वन बाई आर, और ये आपका म्यू माइनस वन, वो तो वन बाई एक्स आ ही रहा, बीच का मैं जैसा किया उससे कटना चाहिए सब, तो ये आया। ठीक है, ये फर्स्ट और फोर्थ का डेटा पॉइंट है जो हम लोगों ने निकाला है फर्स्ट और फोर्थ से। और हमारी एक और इक्वेशन थी म्यू माइनस म्यू टाइम्स सेकेंड्स माइनस म्यू टाइम्स थर्ड, तो माइनस म्यू टाइम्स, तो यानी कि माइनस का प्लस हो गया, तो टू म्यू बाई आर, ठीक है, और थर्ड में भी जाइए और इसमें भी माइनस है तो ये भी प्लस टू म्यू बाई आर है, तो टू म्यू बाई आर। ठीक है भाई, देख लो अब, दो और चार और दो छः और छः म्यू माइनस टू बाई आर, तो ये आया है। ठीक है, अब वन बाई एफ क्या होगा, म्यू माइनस वन टाइम्स टू बाई आर, तो यहां से आर की जगह आप यहां पर रख दीजिए जाके। ठीक है, म्यू की वैल्यू तो 1.5 दी गई, उसको हम लोग यहाँ रख ही देंगे, तो आप क्या करो, आर की जगह रखो जाके म्यू माइनस वन टाइम्स टू एफ, सॉरी, तो आर इज इक्वल टू टू टाइम्स, आर इधर चला गया तो म्यू माइनस वन, टू टाइम्स म्यू माइनस वन इंटू एफ, यहां रखो वन बाई एक्स क्या है, सिक्स म्यू माइनस टू अपॉन टू टाइम्स म्यू माइनस वन टाइम्स एफ, तो एफ उधर भेज दो, तो एफ बाई एक्स, तो सिक्स म्यू, टू से कट भी जाएगा भाई, तो थ्री म्यू माइनस वन अपॉन म्यू माइनस वन, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, तो थ्री इंटू थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन थ्री बाई टू माइनस वन, तो ये नाइन माइनस टू यानी कि सेवन बाई टू, नाइन माइनस टू सेवन बाई टू, थ्री माइनस टू वन बाई टू, ठीक है, टू टू कैंसिल, तो एफ बाई एक्स की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी सेवन। ठीक है, तो चलिए भैया, तो ये भी हो गया, तो लंबे लंबे क्वेश्चन हैं पर कर पा रहे हो ना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो एक और बच्चों क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लाए, बाकी टाइप के क्वेश्चन तो पहले भी कराए थे, तो आज हम लोग फिनिश कर रहे हैं इसको। अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर एज सोन, अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर एज सोन, द अपोजिट सरफेस ऑफ द स्फेयर इज पार्शियली सिल्वर्ड, ठीक है, पार्शियली सिल्वर्ड है, इफ द नेट डेविएशन ऑफ द रे ट्रांसमिटेड एट द पार्शियली सिल्वर्ड सरफेस इज वन थर्ड ऑफ द नेट डेविएशन सफर्ड बाई द रे रिफ्लेक्टेड एट द पार्शियली सिल्वर्ड सरफेस आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ द स्फेयर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फेयर। माई गैड, क्या बोल दिया, एक एक लाइन समझिएगा। A ray is incident on a glass, on the glass sphere as shown, यानी कि 60 degree. The opposite sphere, opposite surface of the sphere जो है वो partially silvered, याद दिख रहा है। If the net deviation of the ray transmitted at the partially silvered surface, जितना net deviation यहाँ पर आया partially silvered पे आया है, ठीक है, is one third, यहाँ तक मतलब यहाँ कुछ deviation आएगा, फिर यहाँ कुछ deviation आएगा, उन दोनों के डेविएशन का जो सम आया है वो जो है टोटल डेविएशन जो होगा जब स्पेयर से निकल जाएगी रे, तो उसका ये वन थर्ड है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्पेयर निकालना है, तो मतलब डेविएशन रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए भैया, पहले तो हम लोग फिगर बना लें, ठीक है, स्पेयर बना लें,
ठीक है भैया, स्फीयर बना लिए किसी तरीके से, देखिएगा आप। बाकी देखो कैसे 60 दिया है। अरे यार, पहले इसमें सेंटर बनाओ और फिर नॉर्मल बनाओ, फिर नॉर्मल से 60 डिग्री बनाओ, ठीक है। अब ये कुछ तो भाई रिफ्लेक्ट करेगी, म्यू वगैरह अपने को बस दिया है तो सही एंगल निकाल नहीं सकते हम लोग यहाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पार्शियली है, ये यहाँ गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, तो आप देखिए कि कितना जो है, ये मान लीजिए थीटा है, ये एंगल तो हम लोग म्यू की हेल्प से फाइंड आउट ही कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कितना ये आपका डेविएट हुई है, दिस इज व्हाट इट हैज डेविएटेड, ऐसे जाती पर ऐसे चली गई। तो ये पूरा 60 होता है, ये थीटा आएगा, तो ये 60 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ तक इसका 60 माइनस थीटा। अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये फिर से पार्शियली ऐसे निकलेगी यहाँ से, थोड़ा सा बेंड वेंड करते हुए ऐसे, और फिर सेंटर से आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल के साथ आप ये देखिए कि इस रे के साथ आपको इसे ऐसे जा रही थी, अब कितना इसके साथ बेंड हुई है ये आपको निकालना होगा, ठीक है, ठीक है। कितना 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 कितना, तो ये इसी के पैरेलल लीजिए आप, ये वाली रे के, तो यहाँ पैरेलल लेंगे आप, तो ये बेसिकली दिस थिंग हैज़ टू बी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल वैसे ही है ना भाई, इधर से आती तो यही होता, जैसे इधर से आई तो थीटा बना रही है, तो 60 ही होना चाहिए, क्या बोलते हो, 60 होना चाहिए इसको। जब ये देखे भाई लॉ का क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो अगर रे को उल्टा कर दें और थीटा पे डालें तो ये नॉर्मल के साथ 60 बना के जानी चाहिए। तो उसी तरीके से ये रे जो है नॉर्मल के साथ 60 बनानी चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो ये कितना अब डेविएशन है, आप देखें डेविएशन ऐसे जा रहा था और ये पूरा थीटा एंगल होगा इसके साथ, तो ये आपका 60 माइनस थीटा विल बी डेविएशन, ठीक है। तो क्योंकि ये पार्शियली सिल्वर्ड है तो कुछ रे अब्जॉर्ब हो गई, तो ये जो नेट डेविएशन इन दोनों के पार्शियल वाले का है वो 120 माइनस 2 थीटा है भाई, मतलब 2 टाइम्स लिख लो इसको, 2 टाइम्स 60 माइनस थीटा है। पर यहाँ पर बात हो रही है ओवरऑल डेविएशन की, क्या बात हो रही है, ओवरऑल डेविएशन की। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ तो रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ जाके पड़ेगी जाके रे, तो ये फिर से थीटा होगा, और रिफ्लेक्शन में 180 माइनस थीटा होता है बच्चों। देखिए ऐसे रे जा रही थी, ये ऐसे जाती और ये थीटा है, तो ये कितना रिफ्लेक्ट हुई, मतलब कितना डेविएट हुई, 180 माइनस थीटा। तो नेट जो एक और चल रहा है, फाइनल नेट देखें तो 60 माइनस थीटा हो चुका है, और फिर अब इसमें दूसरी बार हुआ है 180 माइनस 2 थीटा हुआ है, है ना, इधर थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा, अरे यार 180 माइनस 2 थीटा इसी के ऊपर ही बन गया, दिख ही नहीं रहा होगा ना। चलो भैया लिखो, यहाँ पर निकाल भी सकते हो भाई, किसी को परेशानी है तो निकाल लो।
करो भैया करो, महान बच्चे हैं। ये थीटा है और ये गया, तो इसके और इस ये एंगल पता करना है आपको, ठीक है। ये थीटा है तो ये थीटा है तो कितना देखो डेविएट हुआ, 180 माइनस 2 थीटा हुआ कि नहीं, रिफ्लेक्शन में यहाँ जा रही थी और अब यहाँ जा रही, तो ये 2 थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा। अब फिर से नॉर्मल के साथ आपको देखना है भाई, तो ये थीटा है, गुड। तो अगर ये थीटा है तो ये फिर से 60 है, ऐसे कुछ तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60 माइनस थीटा, डन है डन। अरे वैसे ही तो सिनेरियो है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि इसका जो है ये 1/3 है, यानी कि ये जितना है, यहाँ भी देखो, इफ द नेट डेविएशन ऑफ द रे एज पार्स इज 1/3 ऑफ द नेट डेविएशन, यानी कि ये 3 टाइम्स है उसके, मतलब वो वाला इसके 3 टाइम्स है, ये वाला इसके 3 टाइम्स है। तो कर लो अब, ये टोटल कितना हुआ है, 160 और ये 60 कितना हो गया भैया, 300 है ना, तो 300 माइनस 4 थीटा, 300 माइनस 4 थीटा, तो नेट डेविएशन इज 300 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू कितना, 3 टाइम्स 120 माइनस 2 थीटा। पूरा सॉल्व करो अब, अरे यार ये पूरा ऐड कर लिया है ना, एक 240, 6 300 और ये 4 थीटा, ठीक है, और ये इसके 3 गुना है तो ये 3 टाइम्स 120 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, तो म्यू निकाल लोगे, हम कहाँ ले जाएं इसको, अब 300 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 6 थीटा, तो इसको इधर भेजो, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 300 इज 60, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भैया। अब लगा दो तुम यहाँ पर 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30, है ना भाई, स्नेल्स लॉ। तो साइन 60 इज रूट 3/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू रूट 3, तो रिफर ये। तो ये रहा बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक टॉपिक करना है छोटा सा, है ना, वो नया चैप्टर होगा, छोटा चैप्टर होगा। बाकी अब हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स वगैरह कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो दैट विल बी द लास्ट चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ऑप्टिक्स। और अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों जल्दी स्टार्ट करने वाले। तो बाय बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे।